केवल अफगानिस्तान तक नहीं, हमें मक्का के उस मंदिर को भी लेना होगा। क्या क्या बोल रहा है ये? हमें मक्का के उस मंदिर को भी लेना होगा। दोबारा दोबारा सुने। अयो क्या बोल रहे, क्या बोल रहे, दोबारा सुने जरा। हमें मक्का के उस मंदिर को भी लेना होगा। अयो अप्पा, मरने वाला है ये साला कुत्ते का बच्चा। अस्सलाम वालेकुम, क्या बात है भाई? लगता है यूरियन पेशाब मूत्रन उसकी जगह आजकल इस बंदे ने कि मेरे हाल में गौ माता का दूध पीना शुरू कर दिया है। ये वो कौम है जो गौ माता के ओरिजिनल दूध को शिव के ऊपर वेस्ट करती है और उसका यूरियन पी लेती है। ये पूरी दुनिया में एक अलग से, ये मतलब कि अगर आप अफ्रीकन जंगली भी देख लोगे ना तो वो लोग भी दूध को जो है वो इस्तेमाल करते हैं, पीते हैं। बट ये दुनिया में एक नराली कौम है, ये भगवा कुत्ते, ये जो काला लिंडा है, ये मेरे ख्याल में ये पागल हो गया है। ये मतलब कि ये समझ रहा है कि काबा की बात ऐसे कर रहा है जैसे ये इंडिया को कोई मतलब किसी ने कब्जा करना है तो ये उसकी बात कर रहा है। क्या हो गया है, क्या हो गया इसको? अब भगवा लोगो, तुम लोग पागल हो गए या क्या हो गया? योगी आदित्यनाथ ने तुम लोगों को क्या मतलब समझ लिया, या तुम लोगों को कौन सी आफरे दे रहा है? तुम लोग किसका दिल जीतना चाह रहे हो ये लफ्ज बोल के? ये ना हो कि दिल जीतने के चक्कर में तुम लोग अपने ही मतलब ये जो भगवा कलर है, ऑरेंज कलर है, इसको हाथ से गुआ दो, इंसान के बच्चे बनो, ये तुम लोग सोच के आ रहे हो? इस्लाम काबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी नबी, पहले पैगंबर से लेकर आखिरी पैगंबर तक, आखिरी नबी तक, तेरे जैसे नहीं, तू तो कुछ भी नहीं है। तुझे तो मतलब ये तेरी अगर ये जो खबर है ना, ये अगर बाहर निकल गई ना, जरा सी बाहर किधर पाकिस्तान पहुंच गई, अफगानिस्तान पहुंच गई, तो तुझे तो ये वैसे उठा के ले जाएंगे उधर से, इंडिया के अंदर से ही। तेरे जैसे बहुत, तेरे से बहुत ज्यादा ताकतवर, बहुत ज्यादा ताकतवर, बड़ी बड़ी ताकतों के बावजूद इस्लाम और खाना काबा जहां है वहां मौजूद है। तुम जैसे बहुत आए, बहुत गए, और पता नहीं कितनी सदियां और आएंगे और जाएंगे, वो जहां पे है वहां ही मौजूद रहेगा। इधर को किस चक्कर में हो यार, मुझे नहीं समझ आती। तुम लोगों का दिमाग गोबर गोबर वाला तो है, वो तो हमें पता है, पर इतना भी गोबर तो नहीं घुसना चाहिए। इंडियन देखो इंग्लिश ऐसे बोल रहे हैं, मतलब पूरा मतलब इंडिया ऐसे मतलब इंटेलिजेंट बना है, पढ़ा लिखा बना है, और ये लोग भी बसते हैं इंडिया के अंदर। और अगर ऐसे लोग बसते हैं तो मुझे ये भी पता है कि जो गोबर खाने वाले और मूत्रन पीने वाली जो कौम है ना, वो भी हिंदुओं की कुछ बहुत कम तादाद में कैटागरी में है, जो कि मेरी जो सोच है, मेरा जो सर्वे जो बोलता है, जैसे वो हिंदुओं में कैटागरी होती है, दलित वाले को सबसे नीचे रखा होता है। जहाँ तक मेरा तजर्बा है, जो सबसे नीचे वाले हैं वो कभी भी यूरियन को मतलब गांधी समझेंगे, गंदी चीज को गंदी समझा जाता है। लेकिन ये जो असली दलित जो है ना, जो इस टाइम सबसे टॉप बैठे ये भगवा कुत्ते, ये असल में दलित है, जो आज इस मतलब सीट पे आके अपने आप को बड़ा ही कोई महान शान ये बना के बैठे हैं। ये लगता है ये भगवा लोगों के जो कारोबार है, जो सिस्टम है, जो चल रहे हैं इनके थोड़े बहुत ये बना बना के, मैं नहीं ऐसे लफ्ज बोलना चाहता, लेकिन ये जो पागल हो गए हैं तो इनको ऐसे ही जवाब देना बनता है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। अजीब बात है यार, सब लोग पता नहीं कौन सी मतलब क्या समझ लिया है तुम लोगों ने इंडिया को। हालांकि घंटा भी मतलब कुछ नहीं कर सकता कोई भी, लेकिन अफसोस होता है कैसे बयान दे रहा है। ये बहुत बड़ा वीडियो था, बट मैंने ये छोटा सा क्लिप निकाला है इसमें से, तो मैं क्या जरा थोड़ा सा इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी, किन चक्रों में क्या चाहता क्या ये। अयो अप्पा, मरने वाला है ये साला कुत्ते का बच्चा। अच्छी बात है यार, ये असल में मैं वीडियो को इस फन में बना रहा हूँ, वरना मतलब इसको मैं अगर एंग्री में या गुस्से में बनाता हूँ, मुझे पता है ये एक फनी बात है उसकी, ये फन मतलब कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। हाँ दोगे यार तुम लोग इंडिया के अंदर रो भाई, क्यों अपना इंडिया ख़त्म करवाने पे चलो, या क्या क्यों अपना ये भगवा कलर और अपना भगवा जो हिंदू जो रह गया थोड़ा बहुत, इसको क्यों ख़त्म कराना चाहते हो? इस्लाम ना कभी ख़त्म हुआ है, ना कोई माई का लाल पैदा हुआ है ख़त्म करने वाला। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बहुत आए हैं और बहुत गए हैं। तो ये टोपी ड्रामे छोड़ दो भाई, छोड़ दो। क्यों मैं मतलब छोड़ी हुई है मैंने तुम लोगों की बचानी, तुम लोगों का ठोकना, तुम लोगों को मैंने बेइज्जत करना छोड़ दिया है, तो क्यों ये चीज़ें करते हो? क्यों हम लोगों को मजबूर करते हो कि हम तुम लोगों की माँ बहन एक करें? नहीं करना चाहते हम। हद होगी है भाई, हद होगी है। बस अभी के लिए वीडियो को बंद करता हूँ। सारे भाई को, सारी बहनों को दिल से
अस्सलाम वालेकुम दुआ में याद कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा, जिनका कोई भी ख्याल नहीं रखता उनका बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। कमेंट्स में भगवा कुत्तों का वक्त हुआ जाता है स्टार्ट, आज वो भूकना शुरू कर दो। अल्लाह हाफिज़।